तो अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है बाबू। क्यों आसान है? देखिए अगर देखिए ये दो तरीका से बनेगा, एक तो डायरेक्ट बन जाएगा और दो से तीन लाइन में आंसर आ जाएगा, ये कन्फर्म है। और एक अपना पुराना विधि से बताएंगे, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण जो भी होता है वो भरेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि दिया है सी ओ टी कॉट थीटा बराबर 7/8 अगर दिया है तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, यही ना, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो आप एक काम कीजिए ना, वही उपाय है, कौन सा एक फिगर बना लीजिएगा, थीटा कहीं भी ए बी सी रखना है तो रखिए, नहीं तो थीटा यहाँ पे रख लीजिए। इसके लिए तो लंब यही ना होगा, देखिए जिसका पूछा जाएगा उसके लिए थीटा यहाँ पे रखें तो इसके लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। अब बताइए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो 7/7 है आधार और लंब हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम थीटा रखें, अगर यहाँ रखते तो ये उल्टा हो जाता, यहाँ रखते सामने वाला लंब होता, तो यहाँ आधार बटा, यहाँ पे हो गया आधार और बटा में लंब, यानी आधार हो जाएगा इसके लिए और लंब हो जाएगा। अब निकालना है आपको हाइपोटेनस, यानी कि अगर हम नाम रख दे ए बी सी, तो यहाँ ए सी निकालिए, बताइए बड़ा वाला लाइन निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, आप बताइए तो क्या करेंगे, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, लेकिन रूट में ए सी निकालना हो तो ए सी, रूट क्यों आता है ये भी बता चुके हैं आप, वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो पढ़ा होगा, अभी तो स्टार्टिंग ही है। 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 8 64 + 7 7 49 हो जाएगा, यही तो है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो आएगा ये 9 4 113 आएगा, कितना आएगा 113, लेकिन रूट में, अब रूट से ये बाहर नहीं निकल सकता है तो इतना ही आएगा। अब रहा कि तीनों जब लाइन निकल गया तो लंब बटा कर्ण आधार ये सब ले जाके इसमें भरिए, तो आपको तरीका बता रहे हैं, वो आपको तरीका बनाना है, हम ये क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, आपको बनाना है। देखिए कैसे, वन आप यू जो कितने लिख देंगे प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 8/√13 आप लिख दीजिएगा, वैसे ही साइन थीटा बराबर 8/√13 सब जगह वैल्यू भर के उसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट बोले तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a+b और a-b। अब कहेंगे ये क्या होता है, तो समझिएगा बाबू ध्यान से, अगर दोनों जगह एक ही जैसा कोई भी ABCD का जो भी अल्फ़ाबेट जो भी है वो अगर दे दिया और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो बताइए ये भी दो ठो है ना, तो दो ठो है तो ए स्क्वायर, बी भी दो ठो है तो बी स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे, सबसे ज़्यादा इसी में दिखता है आपको, त्रिकोणमिति में ही सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा यही, एक ही जैसा दोनों जगह अगर कुछ भी दिख जाए, कोई भी नंबर हो 1 2 3 हो कुछ भी हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो जो दो बार है उसको दो बार हम लोग लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि a+b और a-b a²-b² होता है। तो यहां भी देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक बार a का स्क्वायर कर दीजिए एक बार b का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। फॉर्मूला एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + sin θ 1 - sin θ, फिर ये भी हो जाएगा 1, ये भी तो दोनों एक ही जैसा है, 1 + cos θ, और यही है लेकिन एक जगह माइनस है cos θ। जब भी एक जैसा दिखे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो लिखते क्या हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस फिर साइन का स्क्वायर, दो दो है ना, तो साइन का स्क्वायर ठीक है, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया। सेम ऐसे ही ये भी काम करना है, 1 - तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर - cos² ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाता है, और माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता है जो हम अभी बताए नहीं है, 1 - sin θ एक फॉर्मूला होता है, वहाँ पे होता है 1 - sin θ होता है cos² θ, और 1 - cos रहेगा तो साइन हो जाता है, उल्टा होता है, अगर साइन रहे तो कॉस हो जाता है, कॉस रहे तो साइन, लेकिन 1 के साथ। और ये फॉर्मूला आपको टेंशन मत लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम है ना ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, डायरेक्ट आप ऐसे ही बोलेगा, जैसे हम बोल दिए ना आपको 35 40 60 कितना इसमें फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन आप पूरा का पूरा 2 मिनट में पूरा फॉर्मूला सुना देंगे, ये मेरी गारंटी है, वो भी आपको मिलने वाले। कॉस बट्टा साइन होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपका आ गया। अब बताइए, अब इसमें से वैल्यू भर दीजिए, वैल्यू क्या भरना है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार और बट्टा में लंब, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आधार कितना है, आधार है 7 बट्टा लंब कितना है, लंब है 8, इसका ऐसे स्क्वायर अप कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे कर दिए बाबू, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, तो हो गया आपका 49/64 आपका आंसर हो गया, सिंपल। वैसे ही आपको दो नंबर इसी में क्वेश्चन दिया है, दो नंबर क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए लकली, यानी कितने लक की बात है कि हम इसको जब बनाए ना, ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाए फिर ऐसे, तो ये भी आया था कॉट स्क्वायर थीटा, और ये भी तो वही लिखा है, दोनों तो सेम है, तो सेम ही आंसर होगा दोनों का। ये क्या होता है, आधार बट्टा में
लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। आधार कितना है? सात है आधार। लंब कितना है? आठ है। दोनों का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर हो जाता है 40, सात का स्क्वायर 49, 749। आठ को दो बार लिख के गुणा कीजिएगा तो 8 8 64। तो दोनों का आंसर ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना मज़ेदार? और नहीं तो आप अपने विधि से इसमें भरिए, फिर इसमें वैल्यू भरिए, इसमें फिर बट्टा का जोड़ घटाओ, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आएगा ही, और वो आएगा तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। ये भी तरीका सही है, फॉर्मूला आपको हम बता देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा एकदम जादुई तरीका से, और आपको यहां उतार देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हम इसमें फॉर्मूला ज्यादा नहीं लगाएंगे, बता रहे कि ये फॉर्मूला हम आपको बताया नहीं, टेन वाला फॉर्मूला, तो कोई फायदा नहीं। फॉर्मूला का हम ट्रिक बता देंगे तो फॉर्मूला पे बनाएंगे, नॉर्मल इसको बनाते हैं। पहले मेन क्वेश्चन देखिए, मेन क्वेश्चन ये है, यदि 3 cot A = 4 हो, क्या हो? 3 cot A = 4। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो नंबर को नंबर के पास भेज दीजिएगा। इस रूल, मैथ का रूल है, मैथ में जात पात देखना पड़ता है बाबू, ठीक है? तो मैथ का रूल है कि इसको इधर ढकेल दो तो क्या हो जाएगा बाबू, cot A, ये है बीच में कुछ नहीं तो गुणा रहता, इधर आ गया तो बट्टा में हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है? देखिए प्लस में रहता तो इधर जाता तो माइनस में, माइनस में रहता तो प्लस में, गुणा में था तो डिवाइड यानी बट्टा में आ गया। अब ये हो गया cot A बराबर 4/3। cot थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं? आधार बट्टा लंब। तो आधार 4 है, आप एक सबसे पहले फर्स्टली क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे ऐसे 90 डिग्री वाला। आधार ए अगर इसको मानते हैं, ए बी सी, आपको एक चीज बताते हैं, आधार किसको बोलते हैं? आधार जिस जिसकी बात करेंगे, ए की बात हो रहा है तो ए के पास वाला आधार होता है, ए के सामने वाला लंब होता है तो उसके पास में ही आधार छिपा रहता है। तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। जब ये 4 और 3 है तो कर्ण निकाल लीजिए यानी ए सी निकाल लीजिए। ए सी निकलेगा कैसे? 5 होगा, 4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 + 3 = 9, 16 हो गया 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, ये कितना आ गया 5। जो समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, बेझिझक एकदम टेंशन फ्री होकर के, ठीक है? ये 5 आ गया। अब जब ये तीनों निकल गया तो कह रहा है साबित कीजिए 1 - 10² और 1 + 10² इसको बना के लाइए, फिर इसको भी बना के लाइए, क्या दोनों आपस में बराबर होता है? यही साबित करना है। तो चलिए एक बार साबित करके देखते हैं, एक बार आजमा के देखते हैं, है ना जी? तो चलिए आजमा के देखते हैं, सर झुका के नहीं देखते हैं, आजमा के देखते हैं। यहाँ पे 10² है, इसको भी बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे और दोनों का आंसर सेम लाएंगे, ठीक है? चलिए 1 है तो 1 लिखते हैं, 1 है तो 1 माइनस 10² θ, 10θ बराबर होता है लंब बट्टा आधार। ए के लिए लंब बट्टा आधार 3/4 हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बट्टा ये भी वही हो जाएगा, 1 + 10θ वही है तो 3/4 का स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिए cos A यानी थीटा की जगह पे cos थीटा होता है आधार बट्टा में कर्ण, क्योंकि साइन में पहला वाला में लंब कर्ण के साथ मोहब्बत में जुड़ा है, cos में होता है आधार कर्ण के साथ होता है। तो कर्ण यहाँ पे देखिए A है ना, तो A के लिए आधार हो जाएगा 4, पास वाला होता है 4, अब कर्ण हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए साइन ए लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। ए के लिए लंब 3 होगा, सामने वाला लंब होता है, ठीक है? अब यहाँ देखिए इधर साइड में बनाते हैं हम, 1 - 1 - 3 का स्क्वायर करो 4 का, 3 × 9 = 16, एकदम जबरदस्त तरीका से बनाओ, 9/16 + 1 + 9/16 बराबर, इसको भी सॉल्व कर दिए, 4 × 16/25 और -9/25, इतना आपको समझ में आया? दोनों हो गया ये। अब इसको बट्टा का जो 16 × 16 और 16 में से 9 जाएगा, तो जब हम 16 में से 9 घटाएंगे 7/16 और बट्टा 16 × 16 और 9, 16 × 9 कितना होता है 25, और बट्टा में 16 बराबर, ये एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 25, 16 - 9, ये देखिए 16 से 16 कट गया, बचा 7/25 और बराबर, ये घटेगा तो हो जाएगा 7/25, बताइए दोनों बराबर आया कि नहीं? तो एल एच एस माने लेफ्ट वाला और आर एच एस माने राइट वाला, राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में क्या आया? बराबर आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शानदार लगा हो तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए, और बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान है आपको बता रहे हैं। देखिए जब एक ये दे देगा, हर क्वेश्चन में यही रूल है, हमेशा कुछ ना कुछ सबूत दे देगा और इसी को सबूत बना करके, एविडेंस तैयार करके हमको आंसर तक पहुंच जाना है। क्या सबूत दिया है यहाँ पे, देखिए सबूत हमको ये दिया है कि 10A =
वन बटा रूट तीन। चलिए भाई मैंने तो भर दिया टेन ए बराबर वन बटा रूट तीन, लेकिन टेन थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है लंब बटा आधार। आपको याद है ना प्रेम कहानी वो, ठीक है, जिसमें टेन थीटा में लड़की को अलग कर दिया जाता है और लंब और आधार दोनों साथ में हो जाते हैं, वही कहानी है ये, ठीक है। लंब इसमें देखिए इतना जबरदस्त कहानी है, याद तो होगा ही। अब यहाँ पर देखिए वही फिर फिगर बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें एक जगह ए एक जगह बी एक जगह सी डालेंगे, ठीक, ये हो गया। अब बताइए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ए के लिए, ए के लिए लंब सामने वाला होता है ना, सामने वाला लंब जहां से देखा जाएगा वही सामने वाला लंब होता है, ठीक है। अगर यहां पे आप खड़े रहेंगे पूछा जाएगा लंबा आदमी किधर दिखा, तो कभी भी लंबा आदमी को देखने के लिए सामने देखते हैं, तो यहां से सामने ये लंब हो जाएगा। लेकिन यहां ए का बात हो रहा है तो ए के लिए लंब हो जाएगा यहां पे वन, तो ये वाला ये लंब हो जाएगा और जो बच गया वो का हो जाएगा आधार। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं। जब लंब और आधार पता हो गया तो हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। ए सी होता है अंडर रूट, दोनों को जोड़ दो, रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बाबू हो जाएगा ये इतना, ये हो जाएगा चार का वर्गमूल कितना होता है दो। डायरेक्ट ही हम निकाल दिए दो। जब भी तीनों लाइन पता हो गया तो समझो आंसर आ गया। आप इसमें भरिए चाहे इसमें भरिए, दोनों में एक हम बनाएंगे एक कमेंट में आपको बाबू बताना होगा। एनी हाउ देखिए आप ऐसे मत देखिए वीडियो, वीडियो को देखना है तो कॉपी ले लीजिए पेन ले लीजिए और बैठ करके और वहाँ बनाते रहिए। हम इधर सॉल्व करें, आपको अगर समझ आ रहा होगा ना द्विगुणमिति तो आप जरूर बनाएगा। अभी क्या प्रैक्टिस, आप क्या सोच रहे होंगे पता है? अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे तो हमारे दिमाग में है ही। जब एग्जाम में या कोई टीचर आपसे टेस्ट लेगा ना, बहुत क्या मतलब अजीब वाले, थोड़ा सा हमको याद था, मतलब थोड़ा सा देख लेते ना, और ये जो थोड़ा सा देखने वाली बीमारी है ना, यही ना सब बर्बाद कर देती है, ठीक है, यही ना यहाँ नहीं बैठने देती है। थोड़ा सा नहीं देखना है, पूरा देखो, ठीक है, ये मामला आ जाता है। यहां देखो अब एक क्वेश्चन यहां पे ये बनाते हैं, साइन ए, साइन ए कॉस सी, ठीक है, ए अलग है देख लीजिए, सी अलग है, प्लस कॉस ए साइन सी, सब जगह इनटू है, ठीक है, ये भी ए वाला है ये सी वाला है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ये वाला एक बार ये और ये तिरछा कर्ण देवी इनके साथ रहती है, तो ए के लिए तो लंब हो जाएगा वन बट्टा, कर्ण तो वही हो जाएगा बड़ा वाला सबसे लाइन को कर्ण बोलते हैं, इनटू कॉस सी, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो बताइए सी के लिए सामने वाला लंब होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। एक बार दो एक और बात बता दे, पता है एग्जामिनर या किताब वाला ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि जैसे देखो ये दोनों सेम आगे कि नहीं, वो अपने से सेट किया है, देखो ये भी सेम ही आएगा, जब इधर वाला सेम है ना तो ये भी सेम ही कुछ होगा, क्योंकि वो सेट करके ही देता है किताब में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है ए, तो ए के लिए आधार हो जाएगा रूट तीन, क्या हो जाएगा रूट तीन, और कर्ण हो जाएगा दो। तो हो सकता है कि ये भी यही हो, जब ये दोनों सेम हो गए तो ये भी कैसे, साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला लंब, आ कर्ण तो वही होता है सबसे बड़ा लाइन दो, आया कि नहीं सेम, वो सेट करके ही देता है, एक में एक से गुणा तो एक, दो दुना चार, प्लस रूट तीन में रूट तीन से तो तीन त्रिका नौ, रूट में नौ, नौ का वर्गमूल होता है तीन, तो हो जाएगा तीन और बट्टा में दो दुना चार। अब कर लो बट्टा का जोड़, वन प्लस तीन, तीन और एक चार, बट्टा चार, चार एकम चार, एक आ गया आंसर, यानी कि इस इसका कितना आंसर आ गया, इसका एक आंसर आ गया सब के। अब आपको एक काम करना है, मेरा बात मानना है, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है ना तो बात तो मानना पड़ेगा, और ये आपको कमेंट करके बताना है, नहीं आएगा फिर भी बताना है, ठीक है, गलत सही कुछ भी, कि सर हमको बनाने नहीं आया, कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम तो अभी है ना, समय है, समय है, तो अभी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे तैयारी हम लोग करते रहेंगे। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन रहा, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और वो आपके एग्जाम में आता है, तो उस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, देखिएगा कमेंट कीजिए कि वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो बिना देर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि मतलब ये कई बार पूछा गया, इस बेस पर पूछा गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों बाबू, हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। बाप रे ये क्वेश्चन कितना भारी, बाप रे वाला दादा वाला काम नहीं करना, ये बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के जब समझना आ जाएगा ना, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, और वो हम आपको सिखा रहे हैं। यहां समझिएगा, त्रिभुज PQ आर में एक त्रिभुज है PQR, यहां एक त्रिभुज, त्रिभुज तो यही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही हमेशा बनेगा, राइट एंगल, जिसमें Q क्या है, समकोण है, यानी कि P Q
क्यू और आर, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब कि पी आर और क्यू आर ये दोनों ऐसा नंबर यहाँ पे है पी आर और क्यू आर कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और पी क्यू सिर्फ हमको ये पता है कि पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये पता है हमको, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पता है, लेकिन पूरा साफ साफ नहीं पता है, ये जितना है और ये जितना है दोनों को जोड़ा गया है तो 25 आया है। क्या दिया है हमको, यानी कि हमको पता है पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों को जोड़ा गया तो कितना है 25। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से पी आर अगर निकालिएगा तो जो चीज़ें निकाली जाती है, समझिएगा ध्यान से, जो चीज़ें आपको पता करना है उसको अकेले करना पड़ता है। तो इसको अकेले करने का उपाय क्या है, इसको यहाँ से हटा दीजिए तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, इतना आपको पता है। ठीक है, आपको क्या क्या पता हो गया, आपको पी आर भी पता हो गया, पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, ये आपको पता है कि नहीं, 25 माइनस क्यू आर हम लिख दिए। अब एक बाबू यहाँ से समझने वाली बात है, बस वही फार्मूला, कौन सा, पाइथागोरस फार्मूला, वही लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए। चलिए यहाँ से अगर हमको ये निकालना होगा क्यू आर तो क्या निकलेगा, या कोई भी फार्मूला लगाइए, हम निकाल रहे हैं पी आर स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, यानी बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। पी आर कितना है, पी आर है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यही ना है, पी क्यू, पी क्यू है 5 का स्क्वायर, वैल्यू भर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख करके फॉर्मूला वही लगा देना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इतना तो आपको पता है। ठीक है, आप ऐसे कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर का नहीं लिख रहे, वो भी होता है, दोनों होता है, एक ही चीज़ है, 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमको देखो तरीका समझिएगा, हम एक जात को एक तरफ करते हैं, एक जात का मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दुना 50 क्यू, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, और ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर। एक जात को एक जात कीजिए, ए बी सी डी वाला जो भी हिस्सा है ये सब, इस सब को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ कीजिए। तो उपाय बता रहे हैं आपको, देखिए हम इसको खींच दे रहे हैं इधर, यानी 25 को ला दे रहे हैं इधर और इसको भेज दे रहे हैं उधर, तो यहाँ पे है 625, ये प्लस में 25 से इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में प्लस में, मतलब ये जिस सिंबल में है उधर जाएगा तो उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में क्यू आर स्क्वायर प्लस में 50 क्यू आर, माइनस में था बराबर के इधर गया, यानी ए बी सी डी वाले पार्ट को एक तरफ, नंबर वाले पार्ट को एक तरफ, घटाओगे तो हो जाएगा 600 और ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 50 क्यू आर, इसको कटाओ तो 10 से 10 ख़त्म, ये कटाइए तो हो जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, यहाँ देखिए क्यू आर बराबर 12 आ गया। ठीक है, हमको तीनों लाइन निकाल देना है। अब यहाँ देखिए, ये तो आपको पता चल गया क्यू आर बराबर 12 आ गया, वही काम इसमें ले जाके करना दीजिए, काम ख़त्म, पी आर निकालना है ना, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यही ना है, तो यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया है 12 आ गया है, तो 25 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 13, यानी ये वाला सल्व किए हैं तो कितना आया है 13। अब इसको हटा दीजिए, अब देखिए तो तीनों लाइन निकल गया। हमको सब पूरा का पूरा लेसन में हम लोग क्या किए हैं, बस यहाँ पे किस तरह का हम लोग लाने की कोशिश किए हैं, हर तीनों एंगल, यानी तीनों एंगल नहीं, तीनों लाइन निकालने की कोशिश किए हैं, तीनों लाइन निकल गया तो निकालना है साइन पी, साइन पी, फिर निकालना है कॉस पी, फिर निकालना है टेन पी, तो बस साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक, अब पी के लिए लंब कौन होगा, पी के लिए सामने वाला लंब होगा 12, आ कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉस पी होता है क्या आधार और बट्टा में कर्ण। ठीक है, तो कॉस पी के लिए आधार कौन, तो पी के लिए सामने वाला लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा 5/13, और टेन पी होता है लंब बट्टा आधार तो ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, 12/5, तो ये तीनों का तीनों निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि
ये आपको समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बोले थे ना कि हम लोग मैथमेटिक्स के रूह को छुएंगे, मोहब्बत हो जाएगी मैथ से, इतने ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और इसके बाद जो SST वाला वीडियो आएगा ना सामाजिक विज्ञान, खैर उससे तो आपको प्यार होना ही होना है, बता रहे हैं क्यों, क्योंकि वो एक कहानी है, वो एक स्टोरी है, उसको बताने में और समझने में इतना मज़ा आता है, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट दिमाग में और दिल दोनों जगह सेट हो जाएगा और मामला हिट हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये आपको समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं बिना देर किए। देखो इस 11 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है कि बहुत से सर जी ये हमको समझ में ही नहीं आता है, लेकिन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 11 नंबर क्वेश्चन से कोई एक उठा के पूछ देगा ये सत्य है कि असत्य है, यानी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये पूछते रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। जब आप पूरा का पूरा डेटा देखिएगा, 10 का मान निकालिएगा, तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग 10-30 से, तो 10-30 का मान होता है 1/√3। अगर 10-60 का बात करें हम तो क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। यहां पे अगर बात करें 10-45 का तो ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहां पे बात करें 10-0 तो 0 होता है, और यहां बात करें 10-90 तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाता है। यहां आप देखिए ये बोला है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है तो नीचे जाता कि नहीं, तो 45 का मान 1 का है, ये तो गलत है ना जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। अब बोला है कि असत्य है तो इसका कारण भी लिखिए, कारण क्या है, 10A के अनेक मान, ठीक है, जैसे कि अपने से लिखिए, जैसे कि 10-45 ये भी बड़ा है, 10-60 ठीक है, सदैव 1 से अधिक है, ठीक है, 1 से क्या है, अधिक है, या फिर 1 भी है, तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10-45 का मान 1 है लिखिएगा, और 10-60 का मान सदैव 1 से अधिक है, तो ये तो असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ सेकंड नंबर कह रहा है कोण A के किसी भी मान के लिए, कह रहा है कि कोण A यहाँ पे भरिएगा, और इसके किसी भी मान के लिए क्या ये 12/5 ही होगा, तो आप बताइए तो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। एक चीज आपको बता दें, किसी भी त्रिभुज में कर्ण मान लीजिए कि ये हो जाएगा, कर्ण कितना है 12, और आधार कुछ देर के लिए मान लीजिए अगर 5 हो जाता है, तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए तो ऊपर वाला कर्ण बड़ा है कि नहीं, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, तो ऊपर वाला बड़ा है तो ये कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, सत्य है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ा होता है या हमेशा हमेशा सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, भारी नहीं ना, कुछ भारी नहीं, बहुत इजी है, हलवा है, यहाँ दिल में उतार देंगे, टेंशन मत लीजिए। तीन नंबर देखिए, तीन नंबर कह रहा है यहाँ पे कॉस ए, कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, यानी कि सुनिएगा, जैसे साइन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, साइन ऐसे ना लिखाता है, SIN पूरा ऐसे लिखाता है, तो इसका छोटा रूप हम लोग साइन, संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा रूप इसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि कॉस का मतलब कि इसका बड़ा रूप ये है, अगर हम कॉसकेंट लिख रहे हैं ये वाला, तो इसका छोटा शॉर्टकट रूप ये है क्या, तो नहीं बाबू, ये वाला जो है इसका छोटा रूप होता है COSEC, कॉसेक, कॉसकेंट बड़ा रूप है और इसका छोटा रूप ये कॉसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे तीन नंबर क्या है, असत्य है, असत्य है, क्यों है, क्योंकि क्योंकि COSECANT के का संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप क्या होता है, रूप COSEC है, COSEC होता है, तो जब COSEC होता है तो cos कैसे हो सकता है। तीसरा कंडीशन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, cot A अगर ऐसे आप लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, COT, cot A, तो कह रहा है कि cot और A का गुणनफल है क्या, ये cot को A को गुणा किया गया तब जाके cot A हुआ है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गुणा किया जाता है ये cot A, यहाँ पे जो A है ना,
लिखते हैं हम लोग कॉट ए। ए कोण का काम करता है, कोण का, एंगल का, थीटा जैसे है ना, कॉट थीटा, तो थीटा के जगह पे ए है, तो ए यहाँ पे किसका काम करता है, एंगल का, नहीं कि ये गुणनफल यहाँ पे गुणा वाला बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये भी गलत बोला गया है, ये दोनों गुणा करके नहीं बना है ये कॉट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे ए, ए किसका, ए कोण का काम करता है, कोण का काम करता है, ये अपने से लिख सकते हैं, या फिर ए क्या है, कोण है, ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसी भी कोण थीटा के लिए, कोई भी कोण थीटा हो उसके लिए साइन थीटा बराबर 4/5 होता है, ये पहले ही गलत है। अब कहिए कैसे, आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आ यहाँ देखिए तो लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 3, जबकि आप पढ़े हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ा लाइन कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये कैसे हो सकता है। आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा क्या होती है, सबसे बड़ी रेखा कर्ण होता है, कर्ण यहां पे छोटा हो गया, लंब हो गया बड़ा, ये पहले ही असत्य है। तो यहां लिखिएगा किसी भी त्रिभुज में, अब किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ही होगा, दूसरा कोई त्रिभुज होता ही नहीं है जिसमें कर्ण हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, ये भी लिख लीजिएगा, असत्य, असत्य है, असत्य है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला लाइन, किसी भी त्रिभुज में कर्ण सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखाएं कर्ण देवी हैं, आपको तो पता है ना, कर्ण देवी बहुत ही धोखेबाज, यानी कि अगर उस पर कोई फिदा हो जाए तो बहुत जल्दी जुदा भी हो जाएगा, इतना डेंजर सिचुएशन में ला के खड़ा कर देती है ये कर्ण, बहुत खतरनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आएगा, और त्रिकोणमिति से धीरे धीरे मोहब्बत आपके अंदर उत्पन्न तो हो ही रही होगी, हो रही है ना मोहब्बत उत्पन्न, कमेंट में जरूर बताइए कि हो रहा है कि नहीं, और इससे जब लगाव होगा ना तो आई गारंटी कि आपका मैथमेटिक्स में 100 में 100 कन्फर्म है कि आएगा बाबू, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में ऐसे ही जबरदस्त, तो पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला का ट्रिक जानेंगे, उसके बाद से लेसन शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।